अयोध्या में प्रभु श्रीराम का घर बसाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यूं कह लीजिए कि अयोध्या में इस बार 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। उनके भव्य मंदिर के लिए देश विदेश से राम भक्तों ने दिल से बधाई दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई तो किसी को यकीन नहीं था कि राम भक्त इस कदर दान करेंगे कि उनके दान किए गए पैसे से ही मंदिर का पहला तल बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में दान करने वाले एक से बढ़कर एक राम भक्त हैं। अब तक राम मंदिर को करीबन 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का दान मिल चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के संपूर्ण निधि वाले अकाउंट में ही अब तक 3 करोड़ से ज्यादा रुपए आ चुके हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए कई बड़ी हस्तियों ने भी चंदा दिया है। अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन और साउथ के सुपरस्टार तक शामिल हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए किसने कितना दान दिया है और राम मंदिर निर्माण की तैयारी कैसी चल रही है और क्या क्या खास होने वाला है और कौन कौन इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने देश के 11 करोड़ लोगों में से 900 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, मगर दिसंबर तक भगवान राम के मंदिर के लिए करीबन 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का दान प्राप्त हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक करीबन 18 करोड़ राम भक्तों ने भारतीय नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 3,000 करोड़ रुपए समर्पण निधि जमा करा दी है। ट्रस्ट ने इन बैंक खातों में आए दान के पैसों की FD करा दी है, जिससे मिलने वाले ब्याज से ही मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए अब तक सबसे अधिक दान आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मुरारी बापू ने दिया है। मुरारी बापू ने राम मंदिर के लिए 11,03,00,000 रुपए का दान दिया है। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में स्थित उनके अनुयायियों ने सामूहिक रूप से अलग से 8 करोड़ रुपए का दान दिया है। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोकली ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। गोविंद भाई ढोकली डायमंड कंपनी श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट्स के मालिक है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए अभियान की शुरुआत 14 जनवरी 2021 को तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। रामनाथ कोविंद ने ही राम मंदिर के लिए सबसे पहले चंदा दिया। उन्होंने चेक के जरिए 5,00,000 रुपए का चंदा श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट को दिया था। और आपको बता दी कि अयोध्या स्थित रामलला के मंदिर के लिए सबसे पहला विदेशी चंदा अमेरिका से आया था। अमेरिका में बैठे एक राम भक्त ने पहले दान के रूप में 11,000 रुपए मंदिर ट्रस्ट को भेजे थे। स्टार्स में से अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी तरफ से राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया है। अक्षय कुमार की ओर से चंदे की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर लोगों से चंदा देने की अपील की है। चंदा योगदान देने के बाद अक्षय कुमार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अयोध्या की बारी हमारी है। बताया जा रहा है कि अजय देवगन ने राम मंदिर निर्माण के लिए 50,00,000 रुपए दान दिए हैं। साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष ने राम मंदिर निर्माण में अपने योगदान के रूप में 1,00,000 रुपए दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मैंने अपना योगदान कर दिया है। एक्ट्रेस ने लोगों से इसमें योगदान देने की अपील की है। दोस्तों आपको बता दें कि इनका इस्तेमाल भव्य मंदिर में किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों और यहां तक कि विदेश से भी उपहार प्राप्त हो रहे हैं। नेपाल के जनकपुर धाम राम जानकी जन्मभूमि से भगवान राम के लिए 3,000 से भी ज्यादा उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। आभूषण और कपड़ों सहित उपहार को इस सप्ताह नेपाल के जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल का सभी को बेसब्री से इंतजार है और एक बार फिर से देश में दिवाली मनाए जाने का इंतजार है। आप राम मंदिर को लेकर कितने खुश हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।